अदर बैंक में आपको ट्रांसफर करना हो, दूसरी बात इसमें सबसे बड़ी एक फैसिलिटी चलाई है 399 की, 399 एक साल का लगता है आपका, और 399 में आपको एक साल का बीमा देती है सरकार, वो है एक्सीडेंटली, उसमें आपको 399 एक साल में एक बार पे करने होते हैं, आप एक्सीडेंट हो जाते हो तो आपको 10 लाख रुपए मिलते हैं, कोई मेरे लायक का शिकायत हो जाता है जिसको हवा लग जाती है तो भी सरकार इसको 10 लाख रुपए आपको देगी, 60,000 रुपए तक आप इसका इलाज भी करवा सकते हो, आप नॉर्मली अगर बीमार हो गए तो 10,000 रुपए आप 10 दिन के पर डे के हिसाब से 10,000 रुपए आपको वो भी मिल जाएंगे। इतनी बढ़िया स्कीम है, आप 399 रुपए तो साल के कुछ भी नहीं। दूसरा पोस्ट ऑफिस की दूसरी स्कीम है, बीमा भी चला हुआ है, LIC में और बीमे में दोनों में इतना फ़र्क है, 17,000 से 20,000 रुपए का आपको इसका डिस्काउंट मिलेगा। दूसरा आपके गांव के जितने भी पेंशन भोगी हैं, मेरे पास काफ़ी कस्टमर जा भी रहे, ये कार्ड बनाए हुए भी हैं, निःशुल्क सेवा है, किसी भी बैंक का ऐसा हो आप इसमें बायोमेट्रिक में आप अंगूठा लगवा के आप पेमेंट नहीं करवा सकते, 4% तक आप बैंक में भी आप जाते हो SBI या यूको बैंक जिसमें भी आप जा रहे हो तो सबसे बढ़िया आपको 4% तक ब्याज देती है पोस्ट ऑफिस में, मंथली हम जमा करते हैं उसमें भी, हम टाइमली डिपॉजिट करते हैं जैसे फिक्स पेमेंट डालते हैं उसमें भी हमारे पोस्ट ऑफिस के पास जो है सबसे ज़्यादा ब्याज हमें मिल रहा है। तो आप नज़दीकी हो, मैं आपसे यही आग्रह करता हूँ कि आप इसका फ़ायदा उठाएँ, और जो भी पोस्ट ऑफिस की सेवा है नज़दीक है, आपको कहीं जाने की नहीं, अगर बीमा भी आप करवाते हो तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी 10 मिनट में ही आपका अकाउंट ओपन हो जाता है, आप कोई अकाउंट हमें एक सिर्फ आधार ले आओ आप 2 मिनट में आपका अकाउंट ओपन हो जाता है, बैंक 1,000 रुपये लेता होगा लेकिन हमारे पोस्ट ऑफिस 200 रुपये लेता है, 200 रुपये से हर प्रकार का सुविधा है, आप उसकी सेवा लीजिए, धन्यवाद।